अंश इस अहम अपडेट के लिए। और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट पांच का पंच की तरफ, जहां मेरी सहयोगी अशीषा बता रही हैं कि आखिर किन शेयरों में दिखा भरपूर एक्शन। जी अशीषा बताएं। सबसे पहले BSE की बात करते हैं। स्टॉक में करीब 13% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी। सेबी ने अब कंपनी को कहा कि कंपनी जो रेगुलेटरी फीस भरती है वो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टर्नओवर भरेगी, जिसके चलते एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर 18-19% का इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही साथ चौथी तिमाही के नतीजे जो अभी आने बाकी है उसमें कंपनी एडिशनल प्रोविजनिंग करेगी, जिसके चलते चौथी तिमाही के नतीजे भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट था, जिसके चलते स्टॉक में 13% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल की बात करते हैं। कंपनी ने ओवर द वीकेंड एक डील अनाउंस की, जहां कंपनी करीब करीब 2400 करोड़ एडवेंट इंटरनेशनल से रेस करेगी। इसके अलावा कंपनी ने एक एक्विजिशन भी अनाउंस किया। दोनों ही ट्रांजैक्शंस को मिलाए तो एनालिस्ट का मानना है कि ये अक्रिटिव डील होगी। लॉन्गर टर्म में कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन नियर टर्म में कुछ नेगेटिव्स हैं, जिसके चलते स्टॉक में आज 5% की गिरावट दिखाई दी। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के कई स्टॉक्स आज फोकस में थे। हम इन पर्टिकुलर ICICI बैंक की बात करेंगे, जहां पर नतीजे काफ़ी अच्छे थे, डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था। और मैनेजमेंट के कॉमेंट्री की बात करें तो मैनेजमेंट का मानना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेडी रहेंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में, और कंपनी RBI के साथ अपने IT को लेकर भी बातचीत कर रही है। तो ऑल इन ऑल मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी अच्छी थी और नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे, जिसके चलते 5% का उछाल ICICI बैंक पर आज दिखा। इसके अलावा HCL टेक की बात करते हैं। नतीजे शुक्रवार को आए थे। मैनेजमेंट के FY25 की गाइडेंस काफ़ी कमज़ोर थी, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट दिखाई दिया। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने और भी कुछ कमेंट्री दी। उनका मानना है कि FY25 में भी कमज़ोरी दिखाई दे सकती है, जो FY24 में दिखी वो कमज़ोरी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है, जिसके चलते HCL टेक में करीब करीब 6% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी। और लास्ट में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नई गाइडलाइंस निकाली है स्मॉल फाइनेंस बैंक को कन्वर्ट करने के लिए यूनिवर्सल बैंक में, और IIFL की नोट आई थी। उनका मानना है कि केवल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो शायद कंपनी यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी। और इसी पॉजिटिव न्यूज़ के चलते AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीब 6% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष।